केंद्रीय चूंटणी पंच पत्रकार परिषद संबोधी रहूं छे, सीधा जईशुं। आव्यो छे गुजरातना आंगणे मतदान करवानी अमूल्य तक चूकशो नहीं। इन दीस टू डेज द कमीशन इज मेट विथ दी पॉलिटिकल पार्टीज। वी फर्स्ट स्टार्ट विथ दी पॉलिटिकल पार्टीज वेर एवर वी गो। देर आफ्टर ऑल दी डिप्टी कमिश्नर्स, कलेक्टर्स, सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस, आईजीज, देन ऑल दी एनफोर्समेंट एजेंसीज इन दी स्टेट ऑफ गुजरात, विच आई विल डिटेल स्लोली वन आफ्टर अनदर, एंड देन दी चीफ सेक्रेटरी एंड दी डीजीपी टू लुक आफ्टर दी to understand and to review the preparedness for the forthcoming elections in Gujarat. Friends, the state has 33 districts, or state's population is roughly 6 crores on the basis of 2011 census. And Gujarat Rajya mein Vidhan Sabha ka karyalay 12 February 2023 ko samapt ho raha hai, aur Rajya mein 182 Vidhan Sabha nirvachan chhetron mein जिसमें से 17 SC और 23 STSCs हैं के लिए चुनाव होना ड्यू है। भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त, मींस एब्सोल्युटली इंड्यूसमेंट फ्री तरीके से विधानसभा का आगामी चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। दिस टाइम वी आर फोकसिंग ऑन, विशेष रूप से हमारा प्रयास है कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं 80+, दिव्यांगजन, महिलाएं और जो भी नए वोटर्स ऐड हुए हैं उन सब पर हम ध्यान दें और अधिकतम भागीदारी उनकी सुनिश्चित हो। पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी वोटर ऑफ द स्टेट इन दिस मिशन इज नेसेसरी, एंड आर मोटो इज दैट नो वोटर इज लेफ्ट बिहाइंड। In the state, as on 12th August 2022, the total number of electors was 4.83. ये सभी स्लाइड्स के माध्यम से भी आप लोगों के सामने है और इसको हम कंटिन्यूसली अपडेट भी कर देंगे मीडिया पर और अपनी वेबसाइट पर, ताकि आप लोग वहाँ से ले सकें। इसमें मेल वोटर्स 2.5 करोड़ हैं और फीमेल वोटर्स 2.37 करोड़ हैं। दिव्यांग जन और जो PWD वोटर्स हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, उनकी संख्या पूरे राज्य में 4,13,886 है। और इसी प्रकार से जो 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता हैं उनकी संख्या 10,36,459 है। और इसमें बहुत ही एक सुखद अनुभूति होती है ये बात कहते हुए, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर, उसमें शतायु यानी जो 100 वर्ष से ऊपर के वोटर्स हैं वो भी 11,842 हैं। दिस इज अ वेरी प्लीजेंट एक्सपीरियंस इन फीलिंग टू से दैट इन ए स्टेट, एंड इट ऑल्सो शोज हाउ द स्टेट नर्चर्स देयर सीनियर सिटीजन्स, और वो माहौल, वो संस्कृति और वो एक उनकी आबो हवा देखभाल एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से आज राज्य में 11,842 शतायु वोटर्स हैं। और सबके घर में हमने आदेश दिया है कि हमारे कलेक्टर साहब लोग किसी ना किसी को भेज के उनको एक आभार प्रकट करेंगे और उनको सम्मानित करेंगे, वो हमेशा वोट देते रहे हैं हमारे साथ। इसी प्रकार से एक और प्रयास कर रहे हैं हम लोग, जो समाज का एक और उपेक्षित उस तरीके से वर्ग है जिसको जो ड्यू है वो नहीं मिल पाता, थर्ड जेंडर, उसके 1,291 वोटर्स हमने इस बार टारगेट करके बनाए हैं। तो ये भी एक ऐसा वर्ग है जिस पर हम फोकस कर रहे हैं। इलेक्शन इलेक्टर जेंडर रेशियो इन दी स्टेट इज 934, विच मीन्स देर आर 934 वीमेन फॉर एवरी 1,000 मैन। फ्रेंड्स, स्पेशल समरी रिवीजन इज करंटली ऑन। आई वुड लाइक टू हाईलाइट दैट इन व्यू ऑफ द रिसेंट इलेक्टरल रिफॉर्म्स, कमीशन ने कानून में बदलाव कराया जिससे अब एक साल में 4 डेट्स पर आपको वोटर बनने का अधिकार मिलता है। ये जो यंग वोटर्स हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे मैं उदाहरण के स्वरूप बताऊं तो इस साल में जो भी व्यक्ति कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2022 होती अगर पुराना कानून होता, तो जो भी व्यक्ति 2 जनवरी 2022 को
18 साल के हुए वो इस साल वोट नहीं दे पाते और उन्हें 2023 का इंतजार करना पड़ता है। अब कॉन्टिन्यूसली एवरी क्वार्टर, फर्स्ट ऑफ एवरी क्वार्टर, हूसोएवर इज अटेनिंग द एज ऑफ 18 कैन बिकम ए वोटर। कानून में इस बदलाव जो हुआ उसके बाद चुनाव आयोग ने आगे पहल करके ये भी कहा है कि जो 2023 में 17 से 18 साल के होने वाले हैं और अभी नहीं हैं, वो भी हमारे यहाँ चुनाव आयोग में और हमारे ऑफिस में डीओ साहब के यहाँ, कलेक्टर साहब के यहाँ, एआरओ साहब के यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हम उनके एप्लीकेशन को एडवांस में लेके अपने पास रखेंगे। एज एंड वेन इन विच एवर क्वार्टर दे बिकम 18 इन 2023 वी विल डिस्पैच इट। सो इट्स एन एक्स्ट्रा फैसिलिटी वी आर गिविंग टू इवन अवर द यंगर वोटर्स हु आर बिटवीन ए ब्रैकेट ऑफ 17 to 18। इतनी मेहनत करके बदलाव के साथ जब हमने ये कानून बदला है और हम ये सुविधा दे रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से अपने यंग वोटर्स को ये कहना भी चाहता हूँ कि जो वोटर्स बने हैं वो जरूर आके वोट भी दें। ऐसी कुछ एविडेंस सामने आती है कि यंग वोटर्स थोड़ा अभी एपैथी है और वोट देने में थोड़ा पीछे रह जाते हैं, तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है सभी यंग वोटर्स से कि वो इस बार इसको तोड़ें और वोट देने जरूर आए। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रल रूल्स का अंतिम प्रकाशन 10 अक्टूबर 2022 को कर दिया जाएगा। उस दिन फाइनल फिगर्स जो इस चुनाव में वोटर्स की होंगी वो सबको ज्ञात होंगी। फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि जो छूट गए वो अभी भी वोटर्स नहीं बन सकते। इसके बाद भी जब भी कभी हम इलेक्शन अनाउंस करेंगे और जो भी नामांकन की तिथि होगी उस तिथि तक अभी भी नाम जुड़वाया जा सकता है। वहाँ कैमरा लगेंगे जिससे जितनी देर वोटिंग का टाइम है, जब से वहाँ पार्टी पहुँच जाएंगी सुबह में, तब से जब तक वोटिंग खत्म नहीं होगी तब तक कॉन्टिन्यूस वहाँ से लाइव फीड कंट्रोल रूम में मिलती रहेगी। अगर कोई भी ऐसी घटना घटने की संभावना होती है तो वो तुरंत पता लगेगी और तुरंत उस पर हमारी जो क्यूआर जो टीम्स हैं वो वहाँ पहुँचेंगी। और कोई भी अगर किसी समय में चेक करने की ज़रूरत पड़ती है कि हाँ क्या हुआ था, तो ये रिकॉर्डिंग हमेशा के लिए, इस समय के लिए हमारे पास उपलब्ध रहेगी। सो दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन वी आर टेकिंग इन टर्म्स ऑफ एंश्योरिंग द ट्रांसपेरेंसी इन द बूथ्स एंड फर्दर बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस दैट एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड फॉर दोज 50% एंड अबव पोलिंग स्टेशन। And these polling stations would be those polling stations which are identified by the administration as the sensitive or the critical address booths. इसके अतिरिक्त वोटर का एक्सपीरियंस हर पोलिंग स्टेशन पे अच्छा हो, इसके लिए कुछ सुविधाएं जिनको हमने एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज का नाम दिया है हर बूथ पे उपलब्ध होंगी। इसका मतलब क्या है? पहली बात, सभी बूथ ग्राउंड फ्लोर पे होंगे, फर्स्ट फ्लोर पे नहीं होंगे ताकि किसी को दिक्कत ना हो। सब में पीने का पानी, लाइट, शौचालय, अगर व्यवस्था की जरूरत है तो शेड, और दिव्यांगजन के लिए एक रैंप भी उपलब्ध होगा। और रैंप की जो ग्रेडियंट है वो भी 1:10 से बेहतर होगी ताकि उन्हें चढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। एक और पहल की जा रही है कि कम से कम हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 7 बूथ ऐसे होंगे जो सिर्फ महिलाओं के द्वारा ही संचालित होंगे। कोशिश ये की जाएगी कि वो पोलिंग पार्टीज तो महिला रहें ही, पुलिसकर्मी भी उसमें महिला रहें बाहर। सो दिस अगेन इज ए मैसेज विच वी वॉन्ट टू डू पैन इंडिया फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, दैट एवरी बूथ कैन बी मैनेज्ड, इज मैनेज्ड बाई टोटली द वुमेन स्टाफ। And similarly, in order to give a recognition to the PWDs and their abilities, which is higher than us in many ways, हर constituency में कम से कम एक polling station ऐसा भी होगा जो सिर्फ दिव्यांग जन के द्वारा ही संचालित होगा। और जब आप वहाँ पहुँचेंगे उस बूथ पे, तो दिव्यांग जन ही आपकी स्वागत करेंगे वोट डालने के लिए। This again is a message which Commission wants to give about the sensitivity and about the respect towards the PWDs. फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहले कहा कि सीनियर सिटीजन्स की 80+ के वोटर्स की संख्या 10,36,459 है, हम इस बात के लिए बहुत सजग हैं कमीशन, और ये कहना चाहते हैं
कि आज समाज बोले तो और हम सब बोले तो जहां भी हैं वो सीनियर सिटीजन्स की वजह से ही हैं। किसी न किसी समय पे उनका राज्य के लिए देश के लिए इतना योगदान रहा है दैट वी आर सीइंग व्हाट वी आर टुडे। देयरफॉर वी वांट टू थ्रू यू कम्युनिकेट आर रिस्पेक्ट एंड सम्मान टू ईच वन एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू हाईलाइट वॉट आर दी फैसिलिटीज वी आर गोइंग टू गिव दिस टाइम। एक सुविधा हम उनको ये दे रहे हैं कि अगर वो ना आना चाहें किसी वजह से बीमार हैं तो वो अपने घर से ही वोट दे सकते हैं। उसमें एक फॉर्म 12D भरने की जरूरत होगी। अगर नामांकन के तुरंत बाद हम उसको खोल देंगे, 5 दिन के बाद अगर वो अप्लाई करते हैं तो हमारा BLO साहब उसके घर जाएंगे, उन हमारे वरिष्ठ नागरिक के घर जाएंगे, उनसे फॉर्म भरवाएंगे और उसके बाद वोट डालने वाले के लिए वोट डालने की व्यवस्था भी उनके घर पर जाकर करेंगे। और इस पूरे प्रोसेस को हम वीडियोग्राफ करेंगे, सभी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स या कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को साथ जाना अलाउ करेंगे ताकि कोई ये ना कह सके कि आपने घर में जैसे वोट की सीक्रेसी भंग कर दी। सो एवरीबडी कैन वॉच इट, इट वुड बी वीडियोग्राफ, एजेंट्स एंड कैंडिडेट्स कैन गो विद देम। सो लेट अस टेक दिस एज ए रिस्पेक्ट फ्रॉम द साइड ऑफ ऑल ऑफ अस टुवर्ड्स आर सीनियर्स एंड आर ओल्ड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड हुज रिस्पेक्ट एंड हुज ब्लेसिंग्स वी ऑल नीड। इसको अगर मैं अपने फिर से कोशिश करता हूँ कि गुजराती में कहूँ आपके माध्यम से उनको कम्युनिकेट करने की, चूंटणी में सदाए मतदार धर्म निभावता वृद्ध मतदारों नो अभिनंदन। सिमिलरली दी PWD वोटर्स दिव्यांगजन 4,13,886 हैं और हम लोग ये मानते हैं कि दिव्यांगजन को समाज में बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए, नॉट दी सहानुभूति। दे डोंट डिजर्व एनीबडीज, दे डिजर्व ओनली दी इक्वल अपॉर्चुनिटीज। इनके लिए भी हमने रैंप के अतिरिक्त जो और व्यवस्था की है वो ये है कि इनको भी घर में से मतदान देने का अधिकार है अगर उनकी दिव्यांगता 40% से अधिक है। They are also entitled to vote from the comfort of their house and we will encourage them to come to the booth, and if they come to the booth, they decide to come to the booth, which we would encourage, तो वहाँ उनको एक volunteer की सुविधा मिलेगी, एक उनको रैंप मिलेगी, अगर चाहते हैं तो व्हीलचेयर मिलेगी। ये सारी सुविधाएं हमारी तरफ से हम मिलेंगी वहाँ उनको। इसके लिए PWD ऐप भी बनाया है, अगर वो चाहें तो उस ऐप के माध्यम से ये सब सुविधाएं हमसे पहले से बुक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे निष्पक्ष चुनाव की बात की तो मैं नेक्स्ट मुद्दे पर मूव करते हुए ये कहना चाहता हूं कि अगर नागरिकों का सहयोग हमें मिले तो हम जितनी भी, चाहे वो लिकर हो, चाहे वो कैश हो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो इलेक्शन के दौरान कोई और किसी किस्म की इल्स हो, उनको दूर करने की वचनबद्धता को निभा सकते हैं, बट आपका हमें सहयोग चाहिए। तो सहयोग कैसे चाहिए, हमने एक एप्लीकेशन बनाया है, उस एप्लीकेशन का नाम है सी विजिल। सिटीजन्स बी विजिलेंट। अगर आप किसी भी समय से अपने मोबाइल से कोई घटना आपके समझ में आ रही है जो जिसमें कोई भी गलत कार्य आप समझते हो रहा है तो आप उसकी फोटो खींच सकते हैं, उसकी वीडियो बना सकते हैं, उसके बारे में 4 लाइन 5 लाइन लेटर में लिख के उसकी फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं। और जब आप उस ऐप पे अपलोड करेंगे तो आपका GIS, आपका ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स हम खुद से पिकअप कर लेंगे और विद इन 100 मिनट्स